नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बंगाल में सफाई कर्मचारी ने पूर्व चेतावनी के बाद 17 फरवरी से अपनी बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी। इसके तहत सफाई कर्मियों ने शहर में कहीं भी सड़कों, नालियों और हाइड्रेन आदि यानी शहर की सफाई का कार्य नहीं किया। इसके चलते जगह जगह कूड़े कचरे पड़े रहे। इसे लेकर आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर न सिर्फ शहर की सफाई का काम रोक दिया है, बल्कि अलग अलग जगहों से कूड़े कचरे लाकर सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रवेश द्वार पर फेंक कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों की मांग है कि सफाई कर्मियों को नियमित और स्थायी किया जाए। हम लोग पूरे सफाई का काम बंद करने का स्ट्राइक किया है अनिश्चितकाल के लिए। तो सिलीगुड़ी जैसे शहर में इतना बिजी टाउन है, इतने लोग रहते हैं, शहर तो पूरा उथल पुथल हो जाए। यही तो हम लोग चाहते हैं। हम लोग इसलिए चाहते हैं, जिस सरकार प्रशासन चाह रहा है जिस सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन में 2300-2400 लोगों को लेकर सफाई का काम करके और 13 से 14 लाख आदमी को मनोरंजन जीत ले और अपना वोट बैंक तैयारी कर ले और सफाई कर्मचारी मर जाए, ये चाह रहा है। हर सफाई कर्मचारी को ये लोग शोषण करके और 13-14 लाख लोगों को खुशी करना चाह रहा है, जिसके वजह से ये लोग इन लोगों की तरफ ताकता नहीं, इन लोगों की तरफ देखता नहीं, सिर्फ अपना राजनीति की करते चला गया। जो भी सरकार आया, देखिए आज हम लोग यहाँ अपना पेट के लिए लड़ने आए हैं, किसी पार्टी से किसी बैनर के तले हम लोग नहीं है। हमारा पेट के लिए भूख है, इसलिए हम लोग सारा सफाई कर्मचारी एकत्रित होकर लड़ने आए। हम लोग किसी बैनर के तले काम नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा जब तक हमारा मांग पूरी ना हो। समान कार्य समान वेतन हो, कम से कम 18,000 रुपए महीना पगार दी जाए, नो वर्क नो पे सिस्टम बंद हो, अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जाए और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बता दें कि वर्तमान में सिलीगुड़ी नगर निगम के अधीनस्थ 2,571 सफाई कर्मी कार्यरत हैं, मगर उसमें केवल मात्र 371 ही स्थायी हैं, बाकी सभी अस्थायी हैं। सफाई कर्मी लंबे समय से अपनी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम और सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।